गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, आज की टॉपिक है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, यानी कि किन सॉल्यूशंस को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं और किन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। आइए डिस्कस करते हैं ये क्या होते हैं, इनको कैसे पहचानते हैं। व्हेन वी डिजॉल्व अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट, जब हम कभी भी कोई एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी कि जब आप पानी में सॉल्ट को मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा, एक मिक्सचर बन जाता है। वी कैन डिजॉल्व डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सॉल्यूट इन द सेम क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट। हाँ, अब मान लीजिए मेरे पास ये ग्लास है, सब में पानी भरा हुआ है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। अब मैंने यहाँ पर दो चम्मच नमक मिलाया, टू स्पून्स, यहाँ पर मैंने चार स्पून मिला दिया और मैंने यहाँ पे छः स्पून मिला दिया। फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर में हम सॉल्ट थोड़ा सा भी मिला सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा मिला सकते हैं, उससे भी ज़्यादा मिला सकते हैं, क्योंकि वो मेरे ऊपर है हम कितना मिलाना चाहते हैं। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। तो ध्यान से देखेंगे ना तो एक लिमिट होगी। जैसे आप दो स्पून मिलाएंगे पूरा मिक्स हो गया, फिर आपने चार स्पून मिलाया मान लीजिए वो भी मिक्स हो गया, फिर आपने छः स्पून मिलाया तो ज़रूरी नहीं कि फिर मिक्स होगा, एक लिमिट होगा। उस लिमिट के बाद आप फिर चाहें जितना सॉल्ट मिलाते जाइए वो मिक्स नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, सवाल ये भी आता है कि ऐसा क्यों नहीं होगा। फिर आप ध्यान से देखिए, एक्चुअली जब हम कोई भी चीज़ मिक्स करते तो कहाँ जाता है, हाँ वो जो ये वाटर रहती हैं, वाटर के बीच में, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, उन स्पेस के बीच में ये पार्टिकल्स जाके बैठ जाती है। अब मान लीजिए उस स्पेस की कैपेसिटी है सिर्फ दो चम्मच की, कितनी कैपेसिटी है, सिर्फ दो चम्मच की। तो जब दो चम्मच सॉल्ट मिलाएंगे तो जाकर पूरा मिक्स हो गया, यानी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, वो चला गया उस इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस में या इंटर पार्टिकल स्पेस में। लेकिन अब अगर हम ये कहें कि मैं दो चम्मच से ज़्यादा मिलाऊँगा तो जितनी स्पेस खाली थे वो तो भर चुके हैं, अब अगर आप मिलाएंगे तो वो कहाँ जाएगा, हाँ फिर वो मिक्स नहीं होगा और वो नीचे आके कहीं बैठने लगेगा। यानी कि हर एक सॉल्यूशन की या हर एक सॉल्वेंट की एक लिमिट होती है, आप उसमें सॉल्यूट कितना मिला सकते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट देखिए, अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन मे कंटेन लेस अमाउंट ऑफ द डिजॉल्व सॉल्यूट वेयर एज अनदर सॉल्यूशन मे कंटेन मोर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन इट। हो सकता है आप पहले वाले में सॉल्यूट कम मिलाएं, हो सकता है दूसरे वाले केस में आप ज़्यादा मिला दें। जैसा अभी हमने देखा था, पहले वाले केस में मैंने दो चम्मच सॉल्ट मिलाया, दूसरे वाले में चार और तीसरे वाले में छः। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन प्रिपेयर मेनी सॉल्ट सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन बाई डिजॉल्विंग डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट इन द सेम क्वान्टिटी ऑफ द वाटर। आप एक गिलास पानी में आधा चम्मच मिलाइए तो भी सॉल्यूशन बनेगा, आप एक गिलास पानी में एक चम्मच सॉल्ट मिलाइए तो भी सॉल्यूशन बनेगा, दो चम्मच मिलाइए तो भी सॉल्ट का सॉल्यूशन बनेगा, क्लियर है। लेकिन आप बढ़ाते जाएंगे एक टाइम के बाद आपका सॉल्यूशन में सॉल्ट का मिक्सिंग क्या हो जाता है, रुक जाता है। यानी कि अब वो उसकी कैपेसिटी ख़त्म, जितनी कैपेसिटी थी आपने सब यूज कर ली, अब उसके पास और इंटर पार्टिकल स्पेस खाली नहीं है और उस केस में फिर सॉल्ट की मिक्सिंग क्या होती है, रुक जाती है। सो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट द सॉल्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। अब हम कितना सॉल्यूट मिलाए हैं इसके बेस पे, कितना सॉल्यूट हम मिलाए हैं इसके बेस पे हम सॉल्यूशंस को दो टाइप में बांट सकते हैं, पहला सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। तब हम डिस्कस करेंगे कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं और सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो आप अपना हेडिंग बनाने के बाद आप सिर्फ यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट द सॉल्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। फिर आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। हाँ, अ सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाँ, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट को मिक्स किया जा सकता है वो भी उसका बिना टेम्परेचर बढ़ाए, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं,
अनसेचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट मोर ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर देन दिस सॉल्ट सॉल्यूशन विल बी एन अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन. आप लिख लीजिए, समझा तो हम आपको दूसरे तरीके से देंगे क्योंकि ये लैंग्वेज आपको थोड़ा सा पकड़ने में टाइम लग सकता है. अब हम आपको जो कह रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा. एक केस ए है और एक और केस हम बनाते हैं केस बी. ठीक है, केस ए वाले सॉल्यूशन में हमने एक चम्मच, ये पहले से ही सॉल्यूशन है यानी कि इसमें पहले से ही सॉल्ट और वाटर मिक्स हैं, मैंने एक चम्मच लाके और इस मिला दिया क्या सॉल्ट. अगर वो मिक्स हो गया इसका मतलब क्या है कि इसकी जितनी कैपेसिटी थी, इस सॉल्वेंट की जितनी कैपेसिटी थी सॉल्यूट को मिक्स करने की, वो कंप्लीट नहीं हुई थी. यानी कि ये अभी भी एक चम्मच सॉल्ट अपने अंदर मिक्स कर सकता है. यानी कि इसको जितना चाहिए एग्जैक्ट उतना इसको नहीं मिला, अभी इसके पास कम है. तो इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन. क्या बोलते हैं हम? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन. बात समझ में आई? अब आप क्या किए, एक चम्मच आके मिला दिए, मिक्स हो गया. फिर आपने एक चम्मच मिलाया, फिर मिक्स हो गया, यानी कि फिर भी वो क्या था, अनसेचुरेटेड था. ऐसा मिलाते गए. मान लीजिए चार चम्मच मिलाने के बाद अब उसको आप छोड़ दिए, दूसरा सॉल्यूशन लिए जिसमें भी पहले से सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन था, और आपने एक चम्मच या आधा चम्मच इसमें सॉल्ट मिलाया और वो मिक्स नहीं हुआ. इसका मतलब क्या हुआ होगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी इंटर पार्टिकल स्पेस थे वो सब पहले से ही ऑक्यूपाइड है. यानी कि इस सॉल्यूशन की जितनी कैपेसिटी थी सॉल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व करने की वो उसकी कंप्लीट हो चुकी है, अब वो उससे ज़्यादा नहीं कर सकता. इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. हाँ, अभी पता है कुछ लोगों को थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी, एक बार और एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा. एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप कुछ मिक्स करें और मिक्स हो जाए वो है अनसेचुरेटेड. इसका मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको भूख लगी है, आपको खाना देंगे, आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे ना. यानी कि आपको भूख लगी थी या नहीं लगी थी? लगी थी, तो आप हो गए अनसेचुरेटेड. यानी कि आपकी जितनी कैपेसिटी थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी. जबकि एक और बच्चा है, उसको मैंने कुछ दिया खाने को, नहीं खाया. इसका मतलब उसको जितना खाना तो पहले से खा चुका है, अब उसको कुछ और नहीं चाहिए. यानी कि उसकी जितनी कैपेसिटी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, तो उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड. अब यही चीज़ यहाँ पे है, आपने सॉल्यूशन बनाया यानी उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दिया आपने. अब और अगर सॉल्यूट मिलाने पे मिक्स हो गया, इसका मतलब उसकी अभी कैपेसिटी फिनिश नहीं हुई थी, जितनी कैपेसिटी थी उसको उतना नहीं मिला था, तो वो अनसेचुरेटेड है. और अगर आप मिलाते और फिर भी नहीं मिलता, यानी कि उसको जितना चाहिए तो पहले से ही उसके पास उतना सॉल्यूट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. बात समझ में आ गई? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होंगे जिसमें आप एक्स्ट्रा सॉल्यूट अगर मिलाना चाहें तो मिक्स नहीं होता, क्योंकि उसकी जितनी कैपेसिटी थी वो पहले से ही उतना उसके अंदर मिक्स है. अनसेचुरेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होंगे जिनकी जितनी कैपेसिटी है उनके अंदर उससे कम ही सॉल्यूट है, यानी कि अभी और सॉल्यूट उसके अंदर मिक्स किया जा सकता है, इसलिए हम उनको अनसेचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं. अभी आपको क्लैरिटी आ गई होगी, आ गया ना? चल देखिए, एक्चुअली एन अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेंस लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन इट एट द टेम्परेचर. हाँ, रूम टेम्परेचर पे या फिक्स टेम्परेचर पे जब आप बात करते हैं तो जिसकी जितनी लिमिट थी अगर आपको उससे थोड़ा सा भी उसको कम दिया है आपने तो वो अनसेचुरेटेड हो गया. यानी कि उसको जितना चाहिए था आपने उतना उसको नहीं दिया, अभी आप देंगे तो वो अपने काम में लेगा, यानी कि वो अनसेचुरेटेड है. जबकि उसको जितना चाहिए था, मान लीजिए उसको 10 रुपये चाहिए था और आपने 10 रुपये दे दिए हैं और आप उसको एक्स्ट्रा देंगे तो आपसे एक्स्ट्रा नहीं लेगा. जब आप दुकानदार के पास जाते हैं और आप उसको 10 रुपये का सामान लेके 10 रुपये का नोट देते हैं, क्या वो आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेगा? नहीं लेगा ना. अगर आपने दे दिया है तो आपको वापस करता है. जैसे मान लीजिए आप 20 का नोट देते हैं तब वो 10 रुपये वापस भी करेगा, लेकिन वो 10 रुपये से ज़्यादा नहीं लेगा. यानी कि उसको जितना चाहिए था आपने उतना दे दिया, तो ये कंडीशन क्या है, सैचुरेटेड. अब मान लीजिए आप 10 रुपये के पेन लेते हैं और 8 रुपये ही देते हैं, फिर आप उस दुकान पर कुछ खरीदने जाएंगे तो बताइए वो 2 रुपये आपसे लेगा कि नहीं लेगा? लेगा ना.
यानी कि उसको आपने पिछली बार जितना चाहिए था उतना नहीं दिया था, यानी कि वो कंडीशन कैसे थी, अनसेचुरेटेड थी। अनसेचुरेटेड वो कंडीशन है जिसमें कि आपको जितना चाहिए एक्चुअली उतना आपको नहीं मिला। सेचुरेटेड वो कंडीशन है जितना चाहिए था आपको उतना आपको मिल चुका है, आपको उससे ज़्यादा अब ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो सेचुरेटेड सॉल्यूशंस में आप कुछ और मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं मिला सकते, क्योंकि सेचुरेटेड वही है जिसको जितना चाहिए था उसको उतना पहले से ही मिल चुका है। अनसेचुरेटेड में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा मिलाना चाहें तो बिल्कुल मिला सकते हैं, उस केस में आप सॉल्यूट को बढ़ा दीजिए, वो मिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अभी अपनी मैक्सिमम अमाउंट, उसे जितनी कैपेसिटी थी उतना उसको नहीं मिला था। अभी ये पूरा क्लियर हो रहा है क्या है ये? चलिए अच्छा है। उसके बाद आप सेकेंड पॉइंट लिख लेंगे यहाँ से, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन एन एक्वस सॉल्यूशन नो मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व एट द टेम्परेचर। अब मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसमें आपने सॉल्ट मिलाना शुरू किया, सॉल्यूशन बना लिया आपने, फिर उसमें और सॉल्ट मिला रहे हैं और वो मिक्स नहीं हो रहा है, तो उस केस में वो सॉल्यूशन कैसा है? दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देन द सॉल्ट सॉल्यूशन विल बी अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन इट एट दैट टेम्परेचर। किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे जिसकी जितनी अमाउंट की कैपेसिटी थी अगर आपने उसको उतना डिसॉल्व कर दिया है तो वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उसके बाद उसके अंदर थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा चीज़ें डिसॉल्व नहीं होंगी। इट इज ऑब्वियस दैट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये क्या मतलब हुआ? अब देखिए, आपके पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ये हमारा सैचुरेटेड एस, ये अनसैचुरेटेड यू। मान लीजिए एक सॉल्यूशन की कैपेसिटी थी उसमें 10 ग्राम आप सॉल्ट मिला सकते हैं, कितना? 10 ग्राम। तो ये सैचुरेटेड कब बना होगा? जब इसके अंदर हमने 10 ग्राम सॉल्ट मिलाया होगा या 10 ग्राम से कम रखा होगा? हाँ, जब हमने इसमें 10 ग्राम मिला रखा होगा, क्योंकि इसकी जितनी कैपेसिटी है जब उतना ही आप इसको दे चुके होंगे तभी वो सॉल्यूशन क्या होगी? सैचुरेटेड। अब ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी इसकी भी तो कैपेसिटी 10 ग्राम सॉल्ट की थी, क्या आपने इसको 10 ग्राम दिया है, 10 ग्राम से ज़्यादा या 10 ग्राम से कम? हाँ, 10 ग्राम से कम। मान लीजिए आपने इसमें 9 ग्राम मिक्स किया था, तो आप हमें ये बताइए कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में सॉल्यूट के अमाउंट किसकी ज़्यादा है? सैचुरेटेड की। और वो हर बार सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट से क्या होती है? ज़्यादा होती है। यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में हमेशा सॉल्यूट के अमाउंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये चीज़ यहाँ लिखा है, यहाँ से आप लिख लेंगे नोट पॉइंट करके, इट इज ऑब्वियस दैट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के कंपैरिजन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, किसमें? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट ज़्यादा होता है। अब ये एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल आप घर पे खुद से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास, इन ऑर्डर टू टेस्ट वेदर अ गिवन सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड और नॉट, वी शुड ऐड सम मोर सॉल्यूट टू दिस सॉल्यूशन एंड ट्राई टू डिजॉल्व इट बाई स्टीरिंग, कीप द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। अगर मान लीजिए आपको दो सॉल्यूशन दे के कह दिया जाए, बताइए ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, तो आप कैसे बताएंगे? बस अब करना कुछ नहीं, आप सॉल्यूट लेके मिक्स करिए। अगर सॉल्यूट मिक्स हो गया, इसका मतलब उसके पास पहले जितना चाहिए था उतना नहीं था, तो कैसा रहा होगा वो? अनसैचुरेटेड। अगर आपके मिक्स करने के बाद भी वो मिक्स नहीं होता है तो वो कैसा सॉल्यूशन रहा होगा? सैचुरेटेड। बस सिंपल है, कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ मोर सॉल्यूट डज नॉट डिजॉल्व इन द गिवन सॉल्यूशन, जब आप एक्स्ट्रा सॉल्यूट उसमें मिक्स कर रहे हैं और मिक्स नहीं हो रहा है, तो उस केस में वो सॉल्यूशन कैसा होगा? सैचुरेटेड। अगर वो हो गया, यानी कि एक्स्ट्रा सॉल्यूट जो आपने मिलाया और वो मिक्स हो गया, तो वो सॉल्यूशन कैसा रहा होगा? दैट वाज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आज इतना ही, कल हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट या कूल करेंगे तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सॉल्यूट के अमाउंट बढ़ सकता है या घट सकता है,
क्या होगा हम कल डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं। टिल दैट थैंक यू सो मच।